अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हमज़ा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल हमज़ा। आज जो है हम कोटेक्स पे फिर से अपनी लाइव ट्रेडिंग करने जा रहे हैं। बाइनरी ऑप्शन पे हम अपनी ट्रेड करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल टेक्निकल हमज़ा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अगर अभी तक आपने जो है कोटेक्स ज्वाइन नहीं किया, यहाँ पे मैंने कोटेक्स का लिंक दिया है, इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, मेरे लिंक से ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा, अगर आप लोगों के अकाउंट के साथ कोई इश्यू आता है तो वो मैं खुद आपको रिजॉल्व करवा के दूंगा। आपके अकाउंट अगर ब्लॉक शॉक होता है विदाउट एनी रीज़न तो वो मैं आपको जो है वो अनब्लॉक करवा के दूंगा। ठीक है जी, मेरे अकाउंट से आपको ये फ़ायदे होंगे मेरे लिंक से ज्वाइन करने के। अच्छा जी, तो विदाउट वेस्ट के टाइम वीडियो करते हैं अपने शुरू। तो यहाँ पे अभी अप का मोमेंटम चल रहा है, तो यहाँ पे जो अगर मैं अपलोड हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं यहाँ पे अपलोड करूँ अपनी, तो यहाँ पे ये बन रही है हॉरिजॉन्टल लाइन। इस जगह पे मेरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो बन रही है। ठीक है, यह मेरा एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है। अगर इसका अच्छा ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे मैं अपनी कॉल की ट्रेड के लिए जाऊँगा। ओके, एक लेवल इसका ऊपर भी बन रहा है लेकिन ओके, बल्कि ये अच्छा लेवल है जो अभी यहाँ पे मैंने अभी अपनी कैंडल ड्रॉ की है, सॉरी ये रेजिस्टेंस पॉइंट ड्रॉ की। ओके, बहुत अच्छी, मुझे यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट मिला, यहाँ से मैं कॉल की एंट्री डेफिनेटली लूँगा। ओके 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 ओके, ये मैंने थोड़ा सा लेट एंट्री लगी है, यहाँ पे थी लेकिन मेरी एंट्री थोड़ी लेट लगी। अगर नीचे आए तो यहाँ पे मैं और एंट्री, दो एंट्री और उठा लूँगा इस पॉइंट पे। थोड़ा सा नीचे अगर ये आ जाए तो 10 सेकंड से पहले पहले मैंने एंट्री ले ली है, 30 सेकंड 30 होने से पहले पहले। अगर ये लेवल तक आए थोड़ा सा और नीचे, ओके ये मैंने दो एंट्री। ठीक है जी, अब यहाँ पे मेरी एंट्री बहुत सेफ हो गई है। एक मैंने एंट्री कहाँ पे ली थी, यहाँ पे ली थी $15 की, लेकिन वो लेट हो गई थी। लेनी सपोर्ट जो ये पॉइंट था, ये जो यहाँ पे मैंने लेनी थी। अब बात यह, अब एंट्री लेने की रीज़न क्या है, यहाँ पे सिंपली रीजन ये है कि एक मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपना एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे ड्रॉ किया था। अब हुआ क्या, इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया लेकिन ये फेक ब्रेकआउट। अब मुझे कैसे पता लगा कि ये फेक ब्रेकआउट है, मुझे इस तरह पता लगा कि ये फेक ब्रेकआउट है क्योंकि ये जो कैंडल थी ये वाली, ये इसने बिल्कुल छोटा दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखें मेरी अब ये तीनों की तीनों ट्रेड विन हो गई है यहाँ पे, अब मेरी देख सकते हैं आप। अच्छा, अब हुआ क्या था, यहाँ पे इस कैंडल ने छोटा सा ब्रेकआउट दिया। अब इस कैंडल पे मैं एंट्री नहीं लगा सकता था क्योंकि ये छोटा सा ब्रेकआउट था। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे इस कैंडल ने इस काफ़ी नीचे आके बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दी। रिजेक्शन देने के बाद जो है अब मेरा ये ब्रेकआउट कंफर्म हो गया। अब मैंने दो तरीकों से एंट्री लेनी थी। पहला तरीका ये था कि यार अगर कैंडल थोड़ी सी ऊपर जाती तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता, लेकिन ये कैंडल ऊपर की बजाय नीचे आ रही थी, तो नीचे मेरी सेफ एंट्री कहाँ पे बनती थी, इस लेवल से। इस लेवल से ये रिजेक्शन देती तो मैं एंट्री लेता। तो ये भी कैंडल यहाँ तक आई इस नीचे तो मैंने एंट्री ली, लेकिन मेरी एंट्री यहाँ काफ़ी लेट यहाँ पे प्लेस हुई थी। ठीक है, काफ़ी लेट प्लेस हुई, तो मैं जो है मैंने यहाँ पे सेव होने के लिए दो एंट्रीज यहाँ पे ले ली। यहाँ पे मैंने एंट्रीज इसलिए ली है मार्जिन सेफ्टी के साथ, अगर ये कैंडल रेड में भी बनती है इस लेवल से ऊपर, रेड में यहाँ भी क्लोज होती है तो फिर भी मेरा यहाँ पे विन होता, लेकिन यहाँ पे कैंडल ग्रीन में क्लोज हुई है। ठीक है, ब्रेकआउट को कंफर्म की, इसलिए हम जो है अपनी ट्रेड विन कर चुके हैं। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया कि क्या था, किस वजह से मैंने ट्रेड ली है। ठीक है भाई लोग, ओके मेन चीज़ होती है आपको जो है वो कैंडल को रीड करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, जो लेवल को भी आपको देखना पड़ता है। यहाँ पे मैंने लेवल को देख के जो है अपनी एंट्री प्लेस की है। अब यहाँ पे लेवल लगाने की, अब कुछ लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि यार मैंने लेवल, एक सेकंड, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, ये भी एक लेवल था पहले, मैं भी यही देख रहा था। लेकिन जब मैंने ये चीज़ देखी यार ये इसके वी को भी टच कर रही है, ये इसको भी टच कर रहा है, और यहाँ पे भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे वन, यहाँ बार 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 इसी लेवल को रिस्पेक्ट मिल रही है, इस लेवल को समझ आ रहे, तो इतनी ज़्यादा चीज़ों को रिस्पेक्ट मिल रही है, तो इसलिए हम इसके बिहाफ पर सिर्फ यहाँ पे लेवल, ये सिंगल ही यहाँ पे लेवल ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था। ठीक है, सिंगल के बिहाफ पर हम यहाँ पे लेवल ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल की एंट्री ली थी। ठीक है जी, अब जो है और एंट्री फाइन करते हैं। ओके, लेवल को इसने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनी है, उसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल बनी है, तो यहाँ पे फिलहाल मैं एंट्री नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल है, इसलिए फिलहाल मैं यहाँ पे कॉल की एंट्री नहीं ले रहा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल है, इसलिए मैं यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा जो है सेलर बायर्स पे। मैं ज़रा पेयर चेंज भी कर लेता हूँ कि क्या हो रहा है।
अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो मैं फिर वहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस करूँगा। ज़रा मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। ओके, अच्छी सी मार्केट देख लूँ। ओके, यहाँ पे जो है कॉल की तरफ ब्रेक होने के बहुत चांसेस हैं। यहाँ से अगर देखें 1 2 3 कैंडल ने एक लेवल बनाया, अगर ये एक कोई एक कैंडल ब्रेक करके स्पीड से ऊपर निकलती है तो डेफिनेटली उसी साइड पे फिर जाएगी मार्केट, ये कैंडल जो भी है। ओके, पर जा रही है। अगर नेक्स्ट कैंडल स्पीड से ऊपर की तरफ निकले तो मैं कॉल की एंट्री ले लूंगा। नहीं, पुट की एंट्री फिलहाल नहीं ले रहा क्योंकि मोमेंटम भी आपका है और नीचे से सॉलिड रिजेक्शंस भी आ रही हैं, तो मैं यहाँ पे पुट की एंट्री नहीं ले सकता, कॉल की एंट्री लूंगा। देखें यहाँ पे 4 कैंडल्स ने अपना एक लेवल बनाया है, 1 2 3 4। देखें 4 कैंडल एक ही लेवल पे ओपन में क्लोज हुई है, इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर रही। अगर कोई कैंडल इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो फिर मैं कॉल की एंट्री ले सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं एंट्री एंट्री कोई नहीं ले रहा क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। जो मैंने लेवल ड्रॉ किया इसको उठा के यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे देखें 4 कैंडल्स एक लेवल पर क्लोज हुई हैं, तो फिलहाल यहाँ पे मैंने एक लेवल भी ड्रॉ कर दी है। इसका कोई ब्रेकआउट वगैरह हो तो हम यहाँ से कॉल की एंट्री ले सकते हैं। मोमेंटम भी आपका है, तो प्रीवियसली देखें प्रीवियसली को कोई लेवल तो नहीं है इसके नज़दीक। लेवल प्रीवियसली नहीं, थोड़ा सा ऊपर है लेवल, लेकिन यहाँ पे लेवल शेवल कोई नहीं है, तो फिलहाल यहाँ पे एंट्री तो मैं नहीं लगा रहा क्योंकि किसी वक्त भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन के इस लेवल का मुझे ये ब्रेकआउट दे सकता है, तो इसलिए मैं फिलहाल यहाँ पे एंट्री को अपनी कोई नहीं ले रहा। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं, ज़रा 1 सेकंड मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज की थी, आपको मैंने बताया भी था, वीडियो पॉज कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, रिट्रेसमेंट आई है, फिर रेड आई है, तो डेफिनेटली फिर रिट्रेसमेंट आई है, तो ये कैंडल हमारी नेक्स्ट रेड आनी चाहिए। रेड नहीं, ओके रिट्रेसमेंट रेड, ओके 2 ग्रीन। तो फिलहाल यहाँ पे मैं ज़रा वेट कर रहा हूँ, अगर ये कैंडल हमारी रेड में बनती है तो नेक्स्ट मैं पुट के लिए जा सकता हूँ, क्योंकि समटाइम एक रिट्रेसमेंट कैंडल आती है। अभी रिट्रेसमेंट मेरी यहाँ पे कन्फर्म नहीं हुई है, तो फिलहाल यहाँ पे मैं क्योंकि जो हमारा मोमेंटम था वो स्ट्रॉन्ग, अभी यहाँ की काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन का मोमेंटम है, तो फिलहाल यहाँ पे मैं एंट्री नहीं ले रहा। अगर ये रेड कैंडल नहीं, ये ग्रीन कैंडल बनी है, तो ये रेड ग्रीन पैटर्न हो सकता है, तो यहाँ पे मैं पुट की एंट्री सेफ होकर लेना चाहता हूँ। कहाँ पे? इस लेवल पर। अगर ये कैंडल ऊपर आती है तो यहाँ से मैं पुट की एंट्री लूँगा विद मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि अगर ये कैंडल ग्रीन में भी बनती है तो ग्रीन में तो फिर भी मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो, क्योंकि ये समझ में होता है कि रेड ग्रीन पैटर्न भी टाइप ही होता है, तो मेरी यहाँ पे सेफ एंट्री लग सकती है इस पॉइंट पे, अगर ये ऊपर थोड़ा सा आ जाए। लेकिन हमारा टाइम यहाँ पे निकल रहा है, 3 सेकंड रह गए हैं, तो अब मैंने यहाँ पे मेरी एंट्री नहीं लगी है, ठीक है, क्योंकि मेरी यहाँ पे सेफ एंट्री लगती तो फिलहाल यहाँ पे मेरी ट्रेड फिर से निकल गई है। ओके, तो ज़रा वेट करते हैं कि यहाँ पे पीछे कोई लेवल्स वगैरह है कि लेवल वगैरह पीछे नहीं है। ओके, यहाँ पे एक लेवल तो था, इसका ब्रेकआउट आई थिंक सो, इसका ब्रेकआउट हो गया या नहीं हुआ, लेट मी चेक इट फर्स्ट। इधर जा रहा है, ओके ये मैंने लेवल ड्रॉ कर दिया जी, और इसका ब्रेकआउट हमारे पास यहाँ पे फिलहाल नहीं हुआ। ओके, रेड ग्रीन पैटर्न भी बन रहा है, रेड ग्रीन रेड, तो ये ग्रीन हो सकता है। ओके, मैं यहाँ पे कॉल की एंट्री डेफिनेटली लूँगा, ब्रेकआउट भी नहीं हुआ, थोड़ी सी मुझे आगे यहाँ से रिजेक्शन मिले फिर मैं कॉल की एंट्री लूँगा। ये भी थोड़ा सा ग्रीन में आ गया तो मैंने एंट्री ले ली है, अब ये मेरी परफेक्ट एंट्री है। एक और एंट्री यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ से ये मैंने दो एंट्री ले ली, काफ़ी टाइम वेट करने के बाद मुझे यहाँ पे एंट्री मिली है, मैंने यहाँ पे इसलिए दो एंट्री ले ली है क्योंकि काफ़ी अच्छी मेरी यहाँ पे ट्रेड है। यहाँ पे मेरे पास दो दो कन्फर्मेशंस हैं। सबसे पहली चीज़ रेड ग्रीन पैटर्न है, रेड डेफिनेटली ग्रीन। एंड सेकेंड कन्फर्मेशन ये है कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, उसको यहाँ पे ब्रेकआउट उसका नहीं हुआ। एंड थर्ड तीसरी कंफर्मेशन भी है, वो ये है कि यहाँ पे सेलर्स देखें कितने वीक हैं, बहुत वीक सेलर्स हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे रेड ग्रीन पैटर्न को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो आपके सामने हमारी ट्रेड भी विन हो चुकी है, ठीक है भाई लोग, तो इस तरह से मेरी ट्रेड जो है वो विन हुई है। तो अभी जो है एक लास्ट ट्रेड लगा के तो मैं वीडियो को वाइंड अप कर दूंगा। यहाँ रेड ग्रीन नहीं, ये रेड ग्रीन पैटर्न नहीं है, यहाँ पे लेवल तो है लेकिन फिलहाल एंट्री नहीं बन रही है। इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इधर तो हो गया, इसको भी छोड़ दो, इधर क्या है,
अच्छा सा पेड़ देखूँ जहाँ पे मुझे एंट्री मिलने के चांसेस हों, तो वहाँ मैं एंट्री लेके साइड पे हो जाऊँ। ओके, यहाँ पे एक इंगल्फिंग था लेकिन यहाँ पे एंट्री निकल गई मेरी, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो लेवल कहाँ पर है हमारा? यहाँ पर लेवल है, तो यहाँ पे जो है एक एंट्री लग सकती है। लेट मी चेक फर्स्ट। बहुत स्ट्रोंग जा रही है यार, बहुत स्ट्रोंग करने यहाँ से जा रही है। तो यहाँ पे TL तो भी आ रही है, इस लेवल से इसने रिजेक्शन दिए। देखिए इस लेवल तक आके इसने रिजेक्शन दिए, तो ओके फिलहाल यहाँ पे एंट्री मैं नहीं ले रहा, एंट्री मैं नहीं ले रहा इस लेवल पे। फिलहाल एंट्री नहीं ले रहा क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया है एक तो, और दूसरा यहाँ पे सेल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एंट्री नहीं ले रहा। मैं ज़रा कोई और पेड़ यहाँ पे देख लेता हूँ खोल के, कि मैं किसी पेड़ में एंट्री और ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता। ओके ओके, इधर भी नहीं, यहाँ भी क्या हो रहा है यार, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। देखें जो लेवल था यहाँ से भी रिवर्स हो रही है मार्केट हमारी, जो मैंने हमने पैटर्न पे एंट्री ली थी। अच्छा जी, यहाँ पे हमने एक लेवल ड्रॉ किया था रेजिस्टेंस वाला। ओके, अभी मरुभूजो कैंडल टाइप बन रही है स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ से यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, यहाँ से रिजेक्शन मिलती है हमें। तो ओके, अगर एकदम से नीचे की तरफ आया मैं पुट की एंट्री लूँगा, अगर ये एकदम से नीचे की तरफ आया तो, क्योंकि बायर्स नीचे बैठे हुए हैं, नहीं ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर इससे मुझे स्पीड दी ना, स्पीड से डाउन डाउन की तरफ आया, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि एंट्री क्यों ली है। अगर ये स्पीड से नीचे आया तो लेट्स सी, 10 सेकेंड अभी हैं, वेट करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। 7 6 5 4 3 2 नहीं आया नीचे, छोड़ दो। तो एक और एंट्री लेके बस वीडियो जो है मैं वहीं पे वाइंड अप कर दूंगा। तो यहाँ पे इंगल्फिंग बन रहा है लेकिन नॉट अ स्ट्रॉन्ग, मेरे मतलब का नहीं है, मतलब की कैंडल नहीं हो तो फिर मैं वहाँ पे कैसे ट्रेड कर रहे। यहाँ पे मेरे मतलब की एक कैंडल बन रही है, ज़रा वेट करो, अगर वैसे बन जाती है तो मैं एंट्री भी लूँगा और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि एंट्री क्यों नहीं है। अच्छा जी, ओके ओके ओके, फिलहाल एंट्री नहीं लग रही मेरी, नहीं एंट्री लग रही फिलहाल। ओके, मैं ज़रा इसको देख रहा हूँ, लेवल भी है थोड़ा सा नीचे लेवल भी है। ये एंट्री अब ले ली मैंने, यहाँ विदाउट कंफर्मेशन एंट्री लिए, ये थोड़ा सा रिस्की भी होता है, ये थोड़ा सा रिस्की भी होता है विदाउट कंफर्मेशन एंट्री लेना, लेकिन मैंने यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पे एंट्री लेने की रीज़न क्या थी? सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एक लेवल था, ये देखें एक लेवल था, ठीक है जी। अब सेकंड थिंग ये थी कि यहाँ पे देखें तीन स्ट्रॉन्ग कैंडल एक लेवल से ही रिवर्स हो रही है। अब अगली कैंडल मेरी कन्फर्मेशन उस वक्त होती जब ये कैंडल ग्रीन में जाती यहाँ पे, तो फिर मेरी कन्फर्मेशन होती तो फिर मैं एंट्री लेता। यहाँ पे विदाउट कन्फर्मेशन मैंने एंट्री इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे एक लेवल भी था, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री ऐसे ले लिया। एंट्री लेने की रीज़न क्या थी? जब स्ट्रिंग तीन स्ट्रॉन्ग कैंडल एक लेवल से ओपन एंड क्लोज होती है तो नेक्स्ट कैंडल भी उसको रिस्पेक्ट देती है, मतलब इस लेवल को रिस्पेक्ट देती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेटली हमें उसी लेवल को रिस्पेक्ट मिली है, तीन स्ट्रॉन्ग लेवल पे क्लोज हुई है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला था यहाँ पे मैं एंट्री लेता तो ज़्यादा वो कन्फर्मेशन से होती, लेकिन मैंने जल्दी में एंट्री ली है तो इसलिए फिर भी मेरी ट्रेड यहाँ पे विन हो चुकी है। ठीक है भाई लोग, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप सो कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत से लोग मेरी वीडियोस देख के अर्निंग भी कर रहे हैं, आप भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप वीडियो आपको वीडियो से समझ नहीं आती तो फिर आप मेरा पेड कोर्स कर लें, अदरवाइज आप वीडियो से सीखें, नो इशू। ठीक है भाई लोग, मेरी जो क्लासेज हैं वो मैं स्काइप पे देता हूँ, 1-to-1 क्लासेज होती हैं स्काइप पे। तो आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोटेक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।